बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से आप विजुअल स्टूडियो कोड में सेटिंग्स करेंगे, कुछ एक्सटेंशंस हैं जिनको आप इंस्टॉल करेंगे सी या सी प्लस प्लस प्रोग्राम को रन करने के लिए। क्योंकि अगर डायरेक्ट आप विजुअल स्टूडियो कोड में सी या सी प्लस प्लस प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको एरर शो करेगा। विजुअल स्टूडियो कोड में सी या सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स को रन करने से पहले आपको कुछ सेटिंग्स करनी होती है, कुछ एक्सटेंशंस को इंस्टॉल करना होता है। सबसे पहले आपको अपने पीसी में सी या सी प्लस प्लस कंपाइलर को इंस्टॉल करना है। विंडोज के लिए बेस्ट सी या सी प्लस प्लस कंपाइलर है MinGW। MinGW को इंस्टॉल करने के लिए आप क्रोम ब्राउजर में जाएंगे और सर्च बार में टाइप करेंगे। ये लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसके बाद आपने इस पे क्लिक करना है, इसको आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड होने के बाद आपने इसको ओपन करना है। यहाँ पे आपको ये एड्रेस शो होगा, /c तक आपने सारे टेक्स्ट को डिलीट कर देना है और फिर एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करना है। यहां से आप MinGW की वेबसाइट को क्लोज कर दें। MinGW 10 की फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। इसके बाद आपने दिस पीसी में जाना है। दिस पीसी में जाने के बाद आपने लोकल डिस्क सी पे क्लिक करना है। यहां पे आपको MinGW की फाइल शो होगी, इस पे आपने क्लिक करना है। इसके बाद आपने बिन पे क्लिक करना है। बिन पे क्लिक करने के बाद आपने इस एड्रेस को कॉपी करना है। कंट्रोल सी से आप इसे कॉपी कर लें। इस एड्रेस को कॉपी करने के बाद आपने अगेन बैक जाना है और यहां पे जो आपको फ्री स्पेस शो हो रही है इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद एडवांस्ड सिस्टम सेटिंग्स पे क्लिक करना है, एनवायरमेंट वेरिएबल्स पे क्लिक करना है, फिर आपने पाथ पे क्लिक करना है। पाथ पे क्लिक करने के बाद आपने एडिट के बटन पे क्लिक करना है। एडिट के बटन पे क्लिक करने के बाद आपने न्यू पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने वो एड्रेस पेस्ट करना है जो आपने कॉपी किया था। कंट्रोल वी से आप इसे पेस्ट कर दें। MinGW सक्सेसफुली आपके पीसी में इंस्टॉल हो गया है। MinGW इंस्टॉल करने के बाद आपने विजुअल स्टूडियो कोड को अपने पीसी में इंस्टॉल करना है। विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करने के लिए आप क्रोम ब्राउजर में जाएंगे, सर्च बार में टाइप करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड, डाउनलोड। जैसे ही आप सर्च बार में टाइप करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड, आपको फर्स्ट नंबर पे जो वेबसाइट शो होगी code.visualstudio.com, ये विजुअल स्टूडियो कोड की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे आपने क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ तीन ऑप्शंस शो होंगी, आपने विंडोज पे क्लिक करना है अगर आप विंडो यूजर हैं तो। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपको डाउनलोड का बटन शो होगा, आपने स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। अगर आपके पीसी में विजुअल स्टूडियो कोड पहले से ही डाउनलोडेड है तो आप इस स्टेप को स्किप कर दें। डाउनलोड होने के बाद आपने इस फोल्डर को ओपन करना है। यहां से आप इस वेबसाइट को क्लोज कर दें। एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पे आपने क्लिक करना है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट, नेक्स्ट। अगर आप इसका डेस्कटॉप आइकन क्रिएट करना चाहते हैं तो आपने क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक करना है और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इंस्टॉल,
फिनिश। रियल स्टूडियो कोड सक्सेसफुली आपके पीसी में इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे डिफरेंट थीम्स आपको शो होंगे कि किस तरह का थीम आप रखना चाहते हैं रियल स्टूडियो कोड का। लाइट, डार्क, डार्क हाई कंट्रास्ट या लाइट हाई कंट्रास्ट, जो भी थीम आप रियल स्टूडियो कोड का रखना चाहते हैं आप उसके ऊपर क्लिक कर दें। अगर आप इस पर डायरेक्ट न्यू फाइल क्रिएट करने के बाद सी या सी प्लस प्लस प्रोग्राम को रन करेंगे तो वो आपको एरर शो करेगा। सी या सी प्लस प्लस प्रोग्राम को रन करने से पहले दो एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल करनी है। एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने के लिए आपने इस बटन पे क्लिक करना है और सर्च बार में टाइप करना है C/C++। पहले नंबर पे जो आपको ऑप्शन शो होगी इस पे आपने क्लिक करना है और इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना है। सी और सी प्लस प्लस की एक्सटेंशन इंस्टॉल हो चुकी है। इसके बाद आपने एक और एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है। सर्च बार में आपने टाइप करना है कोड रनर। नंबर वन पे जो आपको ऑप्शन शो होगी इस पे आपने क्लिक करना है और इसे भी इंस्टॉल करना है। ये एक्सटेंशन भी इंस्टॉल हो चुकी है। यहां से आप इसे क्लोज कर दें। ये दोनों एक्सटेंशंस को इंस्टॉल करने के बाद अब आप रियल स्टूडियो कोड में सी या सी प्लस प्लस का प्रोग्राम रन कर सकते हैं। सी या सी प्लस प्लस का प्रोग्राम रन करने के लिए आप फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे। न्यू फाइल को क्रिएट करने के बाद आपने सबसे पहले इस फाइल को सेव करना है। सेव करने के लिए सेव एज की बटन पे क्लिक करें। जो भी आपने फाइल का नेम रखना है वो नेम टाइप करें। नेम टाइप करने के बाद आपने इसे .c++ की एक्सटेंशन से सेव करना है। अगर आप इसे .c++ की एक्सटेंशन से सेव नहीं करेंगे तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा, वो एरर देगा। फाइल को सेव करने के बाद मैं यहाँ सिंपल सा C++ का प्रोग्राम लिखती हूँ। C++ का प्रोग्राम लिखने के बाद सबसे पहले आपने अपने इस प्रोग्राम को सेव करना है। कुछ लोग गलती करते हैं कि प्रोग्राम लिखने के बाद उसे डायरेक्ट रन करने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से वो एरर शो करता है। तो जब भी आप प्रोग्राम लिखें या प्रोग्राम के अंदर कोई भी चेंजेस करें तो रन करने से पहले आपने अपने प्रोग्राम को सेव करना है। सेव करने के लिए आप फाइल में जाके सेव के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं या कंट्रोल एस की से भी आप इसे सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शंस शो होंगी। आपने रन कोड की ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो देखें यहाँ पे आपको आउटपुट शो हो रहा है हेलो वर्ल्ड। इसी तरह अगर प्रोग्राम में मैं यूजर से इनपुट लेना चाहूं तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम लिखती हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यूजर से इनपुट लेने के लिए मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है। अब इस प्रोग्राम को मैं कंट्रोल एस की से सेव करती हूँ और अभी मैं इसे रन करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एंटर योर नेम लिखा शो हो रहा है। लेकिन जैसे आप यहाँ पे कुछ टाइप करना चाहें आप कुछ भी टाइप नहीं कर सकते। C++ प्रोग्राम में इनपुट देने के लिए आपको एक छोटी सी सेटिंग करनी होगी। उसके लिए आप जाएंगे फाइल पे, प्रेफरेंसेस पे, देन आप क्लिक करेंगे सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आप सर्च बार में टाइप करेंगे रन इन टर्मिनल। एंटर की प्रेस करेंगे। इसके बाद आप थोड़ा सा नीचे जाएं तो आपको यहां पे एक ऑप्शन शो होती है कोड रनर रन इन टर्मिनल। ये बॉक्स अनचेक है, आपने इस बॉक्स को चेक करना है। इसके बाद आप अपने रियल स्टूडियो कोड को रीस्टार्ट करें। रियल स्टूडियो कोड को मैंने रिफ्रेश किया है। अगेन आपने अपने प्रोग्राम को रन करना है। यहां पे अब आपको शो हो रहा है एंटर।
योर नेम। अगर आप प्रोग्राम को इनपुट देना चाहें आप इजीली इनपुट दे सकते हैं। यहाँ अगर मैं कुछ भी टाइप करूं तो आप देख सकते हैं कि इजीली टाइप हो रहा है। एंटर करें तो देखें आपको आउटपुट शो हो रहा है योर नेम इज कोडी। तो ये तमाम सेटिंग्स थी जो आपको करनी होती है रियल स्टूडियो कोड में सी या सी प्लस प्लस प्रोग्राम को रन करने के लिए। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।